नमस्कार, आज हम रूपक ताल सीखेंगे। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। यह गीतों, भजनों, ख्यालों, गजलों इत्यादि के साथ बजाई जाती है। संगीत के विद्यार्थियों के लिए इसे सीखना अनिवार्य है। इस ताल के 3 विभाग हैं। पहला भाग 3 मात्रा का है, दूसरा और तीसरा भाग 2-2 मात्रा का होता है। इस ताल की पहली मात्रा को खाली से दिखाते हैं, दूसरी ताली 4th मात्रा पर और तीसरी ताली 6th मात्रा पर लगाई जाती है। तो आइए इसे बजाना सीखें। नमस्कार, आइए आज रूपक ताल बजाना सीखेंगे। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं और इसके 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं होती हैं। आइए इसके बोल को समझते हैं। इसके बोल हैं तिन तिन ना धी ना धी ना, तिन तिन ना धी ना धी ना। इस ताल की विशेषता है कि इसमें सबसे पहले खाली आती है। ये ताल खाली से शुरू होती है, उसके बाद ताली आती है। तो आइए इस ताल में ताली किस तरह देते हैं वो समझते हैं। तिन तिन ना धी ना धी ना, तो सबसे पहले खाली से ये ताल उठेगी। तिन तिन ना धी ना धी ना। तो आइए इस ताल के बोल को निकालते हैं। तिन तिन ना धी ना धी ना, फिर से देखिए। तिन तिन ना धी ना धी ना। इस तरह रूपक ताल को बजाया जाता है। धन्यवाद।